and devotees ki jai. Western devotees ki jai. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai. उनको दबाए हुए हैं भर जमा चलो आज हम लोग उत्तेश्वर में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारी परिक्रमा केशव जी गौड़िया मठ से यमुना जी की सहेली मथुरा देवी वहाँ पर जा करके हम लोगों ने प्रणाम किया और उनसे भिक्षा मांगी, हमारी यात्रा सफल हो। तत्पश्चात हम लोग दिव्य विष्णु के यहाँ गए, जिन्होंने कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखला करके यह बतलाया कि मैं कौन से स्वरूप में कंस को मारूंगा, इसलिए बहुत विशाल रूप धारण करके चतुर्भुज धारण किया। वे केम फ्रॉम केशव जी गौड़िया मठ in our circumambulance of Mathura. We first went to Mathura Devi and then Dirg Vishnu. And from there, we went to the birthplace of Krishna Chandra. That was once the Karagar, the jail of Kansa, in which they were arrested. And after that, you went to Adi Kesha and all other places. Now we have come to this place, Bhuteshwar. यहाँ पर हमारे गुरु भ्राता ही समझिए, पूज्यपाद अरण्य महाराज जी बहुत दिनों से 25 वर्षों से यहाँ पर दाऊ जी के मंदिर में दाऊ जी की सेवा पूजा करते थे। वे पहले जगतगुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के यहाँ से हरि नाम ग्रहण किया था। वी आर असेंबल्ड हियर टू ऑब्जर्व द विरह उत्सव ऑफ श्रील पूज्यपाद अरण्य महाराज। ही वाज द डिसिपल ऑफ हरि नाम टेकन फ्रॉम जगतगुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इन हिज बॉयहुड। आफ्टर दैट श्रील प्रभुपाद इंटर्ड इन टू अप्रकट लीला। इसके बाद में वो अप्रकट लीला में जब पहुंच गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी तो उस समय के आचार्य थे अनंत वासुदेव प्रभु जी, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। किंतु जब सब गौड़िया मठों के जितने भी लोग थे सीनियर वैष्णव लोग जब उसे छोड़ करके चले आए तो उन्होंने उनको छोड़ दिया वासुदेव जी को। जब देखा जैसे ये सतपथ में नहीं चल रहे हैं, तब पूज्यपाद श्रौती महाराज जी भक्ति भूदेव श्रौती महाराज जी वॉज सो लर्नेड पर्सन, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने पुनः दीक्षा और इसके बाद में संन्यास उन्होंने ग्रहण किया और शरण ग्रहण करके वो काशी में रहे। आफ्टर दैट व्हेन श्रील प्रभुपाद वेंट इन अप्रकट लीला ही केम टू भक्ति भूदेव श्रौती महाराज, वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, एंड ही टूक इनिशिएशन अगेन from Shruti Maharaj and at last Shruti Maharaj gave him renounce order sannyas and he was given the service of that mutt in Kashi. इसके बाद में वो काशी में उनका मठ वहाँ से हट कर जाने के बाद में वो वृंदावन में मथुरा में आए और हमारे पास में बहुत दिनों तक रहे। आफ्टर काशी he came to Mathura and he lived so many months so many years with me in Keshav ji Gaudiya Math. He wanted to make a separate place for him to do bhajan, so he came here in the Dauji temple and his
Rest life he devoted here, doing bhajan here and doing archan seva of the Daud ji Maharaj. Daud Maharaj ji ki apne antim samay tak उन्होंने वहाँ पर भजन पूजन करके यहीं पर ठाकुर जी का भजन साधन करते थे और दाऊ जी की सेवा करते थे। उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि इस टूटे हुए दाऊ जी के मंदिर को संस्कार कराया जाए और यहाँ पर सुंदर एक यहाँ पर दाऊ जी का एक मंदिर हो। ये टूट फूट गया है, जब कभी गिर सकता है, इसलिए उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि हम इस मंदिर को बनाएं। उन्होंने बहुत चेष्टा की, वो हमारे पास भी आए बहुत बार, महाराज जी आप इस मंदिर को ले लीजिए। मैंने कहा जी ऐसे नहीं, यदि यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं वो यदि देंगे, क्योंकि आपको कोई पावर लेने का देने का नहीं है, आप यहाँ पर केवल भजन करते हैं, इसलिए हम मंदिर यहाँ पर बना देंगे और सब व्यवस्था करेंगे, किंतु इसके लिए राइट हमको कोई देना होगा तब यहाँ पर बनाएंगे, या सुचारू रूप से सब समय यहाँ की सेवा पूजा चल सके। किंतु उनमें बहुत ट्रस्टी होने के नाते कुछ लोग देना चाहते थे, कुछ नहीं, इसलिए हमने रिफ्यूज कर दिया, हमने मना कर दिया। इसके बाद में वैसा ही पड़ा रहा और वो भजन करते थे। अभी 15-20 दिन हुआ, वो उनका निर्जान हुआ और इस शरीर को उन्होंने त्याग कर दिया। यहीं पर उनका हम लोगों ने अंतिम अग्नि संस्कार किया ध्रुव घाट पर और उनकी पुष्प समाधि यहाँ पर कहीं दिया जाएगा, जहाँ यहाँ के ट्रस्टी लोग कहेंगे छोटे लाल जी उनके शिष्य हैं, उनकी सेवा पूजा करेंगे और समाधि देंगे। He wanted to make a very good temple here. This mandir is rotten. It may collapse any time. But he could not fulfill. His desire was not fulfilled. About 20 days before, he left his body here. And his Agni Samskar was done at Dhruva Ghat. And anywhere he did, his samadhi will be given here. So we have gathered here for his birah tithi, to observe his birah tithi separation. So I request Param Pujyapad Tribhikam Maharaj, main Pujyapad Tribhikam Maharaj ji se ya nivedan karta hoon कि उनके संबंध में और वैष्णव के संबंध में जो कैसे वैष्णव का आदर करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए हम लोगों को, इसके संबंध में कुछ उपदेश हमको प्रदान करेंगे। जैसे भी हो, हम लोग सभी पूज्यपाद अरण्य महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि यहाँ पर प्रदान करने के लिए आए, उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। जहाँ भी वो रहें, वो भगवत धाम में या कहीं ब्रज में रह करके वो जरूर होंगे, इसलिए हम लोग उनके भी कृपा प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ हो हमारे ऊपर में कृपा की वर्षा करें, हम लोग भी अपने अवशिष्ट जीवन तक भगवान का भजन कर सकें। बस नॉट डज नॉट डाई दे डोंट टेक बर्थ, दे मे टेक बर्थ बट आफ्टर डूइंग भजन ऑफ कृष्ण दे may come out of the clutches of Maya, birth and death. वैष्णव का जन्म मरण नहीं है, तभी हम लोग एक उत्सव करते हैं विरह का, इसलिए अरण्य महाराज कहीं ना कहीं होंगे, इस शेप में दूसरे शेप में कहीं ना कहीं होंगे, या तो भजन कर रहे होंगे और भजन की सिद्धि पर अपने इष्ट देव के राधा कृष्ण के पास में जाएंगे या चैतन्य महाप्रभु के पास। इले पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी इसके संबंध में कुछ बोलेंगे, हम लोग श्रवण करें। आई रिक्वेस्ट पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज टू स्पीक समथिंग अबाउट दैट।